खरगोन शहर के मोतीपुरा स्थित शासकीय स्कूल के सामने एक महिला शिक्षक द्वारा क्षेत्र के एक व्यक्ति को चाकू से घायल करने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने मामला जांच में लिया है। मिली जानकारी अनुसार शिक्षिका भारती मालवीय ने वाहन पार्किंग की बात को लेकर क्षेत्र के प्रताप पिता आनंद 35 वर्ष के साथ कहा सुनी के बाद पेश में आकर उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और जिला अस्पताल के आईसीयू में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे की है। पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। उनको बोला तार हटा लो, हमारा डेट हो गया तो मेहमान नहा धोएंगे आप पर दे रहे, तो मारपीट करने लगा क्योंकि तुम्हारा बाप की जगह नहीं है हमारे सरकारी स्कूल की जगह, तो चाकू मार देंगे। किन्ने मारा? मैडम है, मैडम है सरकारी स्कूल में। हाँ, कहाँ से चाकू कहाँ से निकाला था? बैग में से। क्या नाम है तुम्हारा? प्रताप आनंद। तुम क्या करते हो? मजदूरी। वही मोतीपुरा में रहते हैं? वो एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप है वर्मा, वो हमारी स्कूल में जो मध्य विद्यालय क्रमांक 7 मोतीपुरा है वहाँ पर हम लोग संस्था के अंदर बैठे हुए थे। वो संस्था के अंदर आया, पूरी संस्था के कर्मचारियों को उसने 10 से 15 मिनट तक अश्लील और गंदी गालियाँ दी, जिसमें महिला कर्मचारी भी बैठी हुई थी। सब चुपचाप सुना करे। एक शिक्षक जिन्होंने उसको पढ़ाया था स्कूल में, उसके उन्होंने उसको समझाया कि भाई तुझे जो भी कहना था तूने कह लिया, अब तू जा। तो उसने हमारे प्रधान पाठक जो कि राजपत्रित अधिकारी है उनको भी 10-20 गालियाँ दी, अश्लील और गंदी गालियाँ दी। और उसके बाद में उसने बोला कि बुलाओ उसको, मुझे उससे काम है। तो सर ने बोला कि वो आज नहीं आए हैं, आपने बाद में आना, वो आपको मिल जाएंगे। ऐसा करके वो बाहर चला गया। और उसके बाद में अचानक क्या हुआ कि बाहर जाके वो मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी स्कूल विद्यालय के बाहर परिसर में, तो उस गाड़ी को लेकर वो मुझे गालियाँ, अश्लील गंदी गालियाँ देने लगा कि ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। और मैं इसके साथ मतलब अश्लील गालियाँ देते हुए कहा कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, गंदी हरकतों वाली जो भाषा थी वो उसने इस्तेमाल करी और मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने लगा। और मैं उस समय चूंकि एक फल खा रही थी और मेरे हाथ में उस समय चाकू था, तो गाड़ी मैं परिचित की मांग के लेके गई थी, तो गाड़ी को सेफ्टी की दृष्टि से मैंने उसको भगाने के उद्देश्य से मैं मेरे हाथ को लंबा करते हुए, तो उसी हाथ में मेरे चाकू भी था, मैं फल काट रही थी, तो मैंने उसको कि दूर हट गाड़ी से ऐसा करने को बोलने लगे। तो वो मेरे पास एकदम आया कि लो मुझे चाकू मारोगी ऐसा करके, और जबरन मेरे चाकू से मेरे को पकड़ने दौड़ा और उस चाकू से टकरा गया वो। न कि मैंने कोई ऐसा हरकत की, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को मेरे जहाँ तक मानना है बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मुझे ऐसी कोई। जी भाई साहब, शिकायत भी की आप? हाँ, मैंने अभी एसपी महोदय को, चूंकि शासकीय कर्मचारी हूँ और विद्यालय के अंदर वो व्यक्ति हर 15 दिन में आकर पूरे स्टाफ के शिक्षकों को गाली गलौज अश्लील देता है और पूरा स्टाफ कुछ नहीं प्रतिक्रिया देता है, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले को भी ये चीज़ें पता है। और परसों के दिन भी उसने लगभग 1.5 घंटे तक, पुलिस को भी ये चीज़ जानकारी में, पुलिस वहाँ गई थी कि लगभग 1.5 घंटे तक उसने वहाँ पर अश्लील गंदी गालियाँ विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दी थी। मेरा नाम भारती मालविया है। इस हाले से एक MLC रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कि प्रताप वर्मा नाम के व्यक्ति को चोट लगी है। MLC रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में FIR हुई है। इसमें आरोप ये हैं कि स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक महिला शिक्षिका के द्वारा हमला किया गया, किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है और जो फरियादी प्रताप वर्मा है किस कारण से वहाँ पर मौजूद था, ये सारे एंगल्स हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।